घाटी में बतला इनके डर के मारे अकबर छोड़े आगरा भागा जाए और बसा लाहौर में जाके अकबर अपने प्राण बचाए और बसा लाहौर में जाके कोई शायद हो पाए राजा थे वो मेवाड़ के राजस्थान प्रांत बतला कद काठी जिनकी तगड़ी थी दुश्मन जिन्हें देख दिहलाए वजन 110 किलो का राणा प्रताप का बतला 7 फिट और 5 इंच की जिनकी लंबाई बतला इनकी छाती के कवच का वजन 72 किलो बताए भाला था 81 किलो का जिसे कुंवर प्रताप चलाए वजन था 208 किलो का दो तलवारे और मिलाए वजन था 208 किलो का सुरक्षित अभी बताए शहर उदयपुर के म्यूजियम में जिनको लोग देखने आए कई बारी ने हथियारों से मुगल गए थे मुंह की खाए महाराणा प्रताप हमारे परम प्रतापी थे बतलाए दुनिया भर के लोग इन्हीं की गाते अभी वीर गाथा जनमानस को प्रेरित करता सोदिया परिवार में आए कुंभल गढ़ के किले में जन्मे महाराणा प्रताप बताए कुंभल गढ़ के किले में जन्मे शुक्ल तीज बतलाए 9 मई 1540 जन्म तिथि हम रहे बता पिता उदय से माता इनकी जेवंता बाई बतलाए चाची इनकी मीरा बाई चाचा राजा भोज बताए बचपन में राणा प्रताप को कीका कहकर सभी बुलाए बचपन में ही अस्त्र शस्त्र की इन्होंने शिक्षा ली थी बाय बचपन से ही शौक था इनको इन्हें घुड़सवारी अति भाई लेकर आए दो घोड़ों को इनके पिता तुम्हें बतला लेकर आए दो घोड़ों को एक सफेद एक था नीला जो थे अफगानी बतलाए सफेद रंग का घोड़ा भैया शक्ति से को गया लुभा नीले घोड़े की लगाम को कुंवर प्रताप ने लिया थमा चढ़ गए वो नीले घोड़े पर घोड़ा दौड़ा हिने हिना इतनी तेज गति से भागा से बातें कर कर जाए महाराणा प्रताप ने इसका लीना चेतक नाम रखा बड़ा निराला वो घोड़ा था पलक झपकते ही उड़ जाए भर भर चौकड़िया बोरल में दुश्मन के हाथों नाया भर भर चौकड़िया बोरल में
कवियों ने लिख दी कविता, रण में राड़ा उसे मखोटा, हाथी का दे दी पहना, रण में राड़ा उसे मखोटा। जस में पढ़ते जा मुगल सल्तनत धीरे धीरे हिंदुस्तान में फैली जाए, अकबर ने इन राजपूतों को आपस में दीना लड़वाए, खुद अधिकार जमाए बैठा, हिंदुस्तान लिया कब जाए किसी का, जब जब घर टूटे तो लूटे उसे पड़ोसिया, यही हुआ अपने भारत में। मुगलों ने लिए पांव जमा, लेकिन महाराणा प्रताप ने मुगलों को ललकारा, जान नहीं सहेंगे तेरी गुलामी, चाहे जाने भले ही जान नहीं सहेंगे तेरी गुलामी। जितना दम अकबर सेना में उतना दम सीने में रखा, कई बार तो रणभूमि में गए थे अकबर से टकरा, जीत ना सका अकबर इनसे, लेकिन हारा भी तो ना, 20,000 वीर राणा के, 80,000 से गए टकरा, कैसे राजा बने थे राणा, इसका किस्सा रही बता। उदय सिंह ने छोटा बेटा जगमल राजा दिया बना, जो सबसे छोटी रानी का, जगमल बेटा था बतला, जगमल का राजा बन जाना, मंत्री गणों को नहीं सुहा, जगमल का राजा बन जाना। बनाना जहा राजा अभिषेक किया राणा का, गुम गुदा में सबने जा, राणा के राजा बनने पर बुरा लगा जगमल को, हाँ मुगलों से जाकर मिल बैठा, उसने संधि कर ली जा राणा की छोटी सेना ने, मुगलों के दिए होश उड़ा, तब अकबर राणा प्रताप को समझौते भिजवा, यहाँ तक बोल दिया अकबर ने, सुन लो राजन ध्यान लगा, आधे हिंदुस्तान को ले लो, युद्ध ना करो हमसे यार, आधे हिंदुस्तान को ले लो। समझौते दीने ठुकराए, फिर अकबर ने खुदिया करके करी चढ़ाई सेना लाए, चित्तौड़ रत थंबोर उदयपुर मेवाड़ लीना है कब्जा, अरावली की पहाड़ियों में राणा भागे प्राण बचा, वहां बड़ी कठिनाइयों का करना पड़ा सामना, जाए घास की रोटी खानी पड़ गई, घास फूस पर सोई जाए, वहां रह के राणा प्रताप ने दीने थे कई दिन बिताए, खबर लगी जब भावा साहे को,
गई, बन गए भामा शाह सहाय आदिवासियों को राणा ने अपनी फौज में लिया मिला, फिर से घेर लिया मुगलों को, दिया मातृभूमि से भगाए अपना राज राणा प्रताप ने, फिर से लीना था कब्जा शहर ग्वालियर के थे राजा, राम साहे गए साथ निभाए अपनी सेना लेकर आए, लड़े प्रताप की ओर से जाए अपने तीन पुत्र को लेकर, वो बलिदान हो गए जाए अपने तीन पुत्र को लेकर। उसको चोट लगी थी हाँ, कुछ दिनों तक जिया था घोड़ा, फिर दीने थे प्राण गवार, फूट फूट कर रोए राणा, चेतक की कर कर के याद मुझे चाहने वाले चेतक, कौन हमारा तेरे बाद मुझे चाहने वाले चेतक। अकबर भी रोया था हाय, बोला अकबर ऐसा राजा अब तक हमने देखा ना, बड़े स्वाभिमानी थे राजा, जो बन बन में भटके जाए महाराणा प्रताप के जैसा, हुआ वीर कोई भी ना जिन्होंने अपनी प्रजा को चाहा, प्रजा सदा इनके गुण गाए मातृभूमि के लिए लड़े वो, हिंदुस्तान भूल ना पाए मातृभूमि के लिए लड़े वो। मातृभूमि के लिए लड़े वो, हिंदुस्तान भूल ना पाए, इब्राहिम बोला माता से हिंदुस्तान रहा हूँ जा, जन्म लिया नेपाल का राज घराना, चित्तौड़ से पहुंचा जाए हर वर्ष प्रताप जयंती, बड़े गर्व से देश मनाए रमेश भैया ने लिखा है आला, संजो बघेल रही प्रेम से गाए, संजो बघेल रही प्रेम से गाए महाराणा।